स्वागतम ये प्रेमनंदी के पिता है। हाँ, उनके जैसे लग रहे हैं। तेरे मैया नहीं आई ना? नहीं है। श्रीराम सब घर में ठीक ठाक है और बच्चे सब ठीक है? पर भैया भी है ना? एक भाई एक बहन दो बहन। मेरा भाई 1 साल मेरे पीछे और मेरा बहन 12 साल। 12 साल छोटी 12 साल छोटी 16 इयर्स ओल्ड। 16 उसका नाम मंजरी जी। अब वहाँ प्रचार कर रहे हैं ना? होते हैं, उसको सब मदद करते हैं। जब मैं आते हैं तो सब लोग जुड़ के और मदद करते हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत छोटे मोटे नहीं, बहुत भाग्यवान हैं। आपकी बेटी ऐसी बेटी आपने जन्म दिया जो भक्ति करने वाले। ये भागवत में भगवान खुद कहते हैं, ठाकुर जी खुद कहते हैं, जब भगवान नरसिंह अवतार लिया और उनने हिरण्यकश्यप को वध कर दिया, भगवान प्रहलाद को ऊपर में बड़े खुश हो गए, बोले वर मांगो। तब उन्होंने बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे। तब भगवान खुद कहते हैं, बोले किसी वंश में अगर एक बेटा भक्ति करने वाले जन्म हो जाए तो बोले एक बेटा भक्ति करने वाले जन्म हो जाए कहे तो तू तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों कर रहे? तेरे 21 पीढ़ी उधार हो। ये ठाकुर खुद कहते हैं तुम्हारी 21 पीढ़ी माता की पक्षे के, पिता की पक्षे के, बुआ की, फूफा की, इनको पक्षे से उन्होंने बताया किसका कुल से कितने लोग उधार होते हैं। और जो पहले जो चले गए वो जब देखते हैं वंश में कोई भक्ति करने वाले हो जाए, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, कहते तो हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाते हैं, कहते हमारे कितने भाग्य है, हमारे वंश में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हो, अभी कोई चिंता नहीं, हमारे तो उधार अपने हो जाएगा। नृत्य करते हैं। और जो पिता माता जन्म देते हैं, पिता माता जो जन्म देते हैं वो तो भगवान खुद कहते हैं माता की जो गर्भ है वो सार्थकता होगी, और जो पिताजी ने जो बच्चों को पालन किया उसका जीवन सार्थकता होगी। नहीं तो अगर बच्चों को भजन में नहीं लगा पाए हैं, अब रामायण सुने होंगे, जिस समय राम और सीता वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा के पास में आए, बोले हमें आधे से दे दे, राम सीता की सेवा में मैं जंगल में जाओ। सुमित्रा इतने खुश होती हैं, इतने सुमित्रा खुश होती है, वो एक शब्द कहती हैं, कहते पुत्रवती जुबती जगस्वई रघुपति भक्ति जासुसुतो हो। हिंदी समझते ना चलते, देखो ये सब शब्द में ध्यान दो, कहते पुत्रवती जुबती जगत से, मतलब जगत में उसी पिता माता को बच्चा देना सार्थकता है। हाँ, जो गर्भधारण किया 9 महीना तक माता ने गर्भधारण किया, बच्चों को प्रसव पीड़ा से सहन किया, मुंह की खाना निकाल करके बच्चों को खाना, कितना परिश्रम आप बच्चों को पालन किए होंगे, कितने परिश्रम आपको पता होगा। इसलिए सुमित्रा कहती है बेटा आज मैं अपना जीवन को धन्य धन्य मान रही हूँ। बोले क्यों? बोले तेरे जैसे बेटे को मैंने गर्भ में धारण किया। बोले कैसे बेटा किया है? बोले रघुपति भक्ति जासूस होता हो, मतलब जिसका बेटा रघुपति राम का जो भक्त हो गया है, कहते तब भी बच्चों को जन्म देना सार्थक था। और दूसरे प्यार में सुमित्रा कहती है अगर बच्चों को जन्म भक्ति में नहीं लगा पाए, बच्चों को प्रभु का भजन में अपने नहीं लगा पाए, केवल जन्म दे दिया, वो सुमित्रा कहती है बोले सुअर भी बच्चे जन्म देते हैं, एक एक साथ में 15-15, 20-20 बच्चा सुअर समझते हैं ना, पी वो भी बच्चे जन्म, एक साथ में 15-15, 20-20 बच्चे वो भी जन्म दे देते हैं, वो बच्चा जन्म देने का क्या महत्व है। तब उसको दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चे को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाए, वो दूसरी लाइन में कहती है माँ को बांझ रहना सही था। बांझ समझते हो? कहते अगर बच्चे को जन्म प्रभु का भजन में नहीं लगा पाए ना, कहते पिता माँ को तो बांझ रहना सही था, कोई जरूरत नहीं था बच्चों को जन्म देने का। इसलिए
आप लगता है आपका जो पूर्वज है ना प्रभु जी, बहुत पुण्य किए हैं, आप भी बहुत पुण्य करके आए, और प्रेमानंद जैसे बेटी को तुमने जन्म दिया है। सही है, बहुत मदद करती है इसको, ये आई तो कम दिन से भक्ति में, लेकिन जल्दी जल्दी हिंदी सीख गई। बड़े जल्दी हिंदी को क्या जिसने किया है, हिंदी सीख गई, जैसे समझ पाए जैसे हिंदी सीख गई। और जो सेमिनार होता है भक्तों को, इसमें बड़े मदद करती है, खाना बढ़िया खाना बनाती है, जगह जगह भोजन बनाती है, भगवान के लिए ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाती है। इसलिए समझो, अब लोगों ने जो बच्चे को जन्म दिया ना, आपका जीवन धन्य है। हाँ, बहुत धन्य है, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत धन्य है आपका जीवन। आप तो परम भक्त है, ऐसे बोलते हैं। प्राण गोविंद परम राम, आओ भजन करेंगे ना, भजन इधर आ जाए। और तुम्हारी पढ़ाई सही चल रहा है ना? क्या हुआ, आधार हो गया? नहीं, और कितना भजन गए हैं? आपकी इच्छा क्या है? हरे कृष्ण हरे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको चार्ज दिया था, मुझको पास है, हरे कृष्ण बैटरी है, ये बैटरी से जाते है ना? हरे कृष्ण, इसको चार्ज नहीं है? नहीं, बैटरी से, बहुत खर्चा है चार्ज में, मगर हमारे पास अब दूसरा बैटरी है। हरे कृष्ण, ठीक हरी बोल हरी बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय 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 जय
Jai Jashodariva, Jai Bhaja Janaranjana, Jai Bhaja Janaranjana, Jai Jamuna Kuravanachari, Jai Kunja Vihari, Jai Jamuna Kuravanachari, Jai Kunja Vihari. Jai Kamuna Kiradana Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Kamuna Kiradana Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare I go, 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 I go,
हैं या कथा सुन आपकी इच्छा क्या है आपकी कथा सुन लेते हैं बीच में और कितना जाएगा जी जी ठीक है ओम अज्ञानति निराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीपंकुज जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी दत्तई प्रियाय केशव सखा कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोले से गुरुदेव की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ जिनका घर उनका नाम क्या तुम्हारे नाम क्या श्यामा प्रिया और हाँ प्रेमवती माँ का नाम प्रेमवती हाँ प्रेमवती यार श्यामा प्रिया श्यामा प्रिया आपको नाम दिया आज हमारे प्रेमवती दीदी और श्री श्यामा प्रिया दीदी आज इन लोगों ने अपना घर में भक्तों को बुलाए और घर में भगवान ने कीर्तन और उन्होंने सत्संग घर में रखवाया इसलिए भागवत में बताए जब जिस घर में भक्त लोग आए घर में कीर्तन हो घर में सत्संग हो श्री सुत गोस्वामी कहते हैं वो जो घर है वो घर नहीं है कहते घर क्या है बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग कहते जहाँ भगवान अच्युत की अच्युत कृष्ण का एक नाम अच्युत है अच्युत मतलब जिसका कोई च्युत नहीं जो कभी खत्म नहीं होते हैं जो नित्य है हैं इसलिए जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है हैं आप पृथ्वी में कितने तीर्थ है इतने तीर्थ है जिसका कोई था नहीं लाख करोड़ रुपया खर्चा करने पर भी आप सारे तीर्थ घूम नहीं सकते मतलब इतने तीर्थ है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती हैं गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गया गंगा प्रभास प्रयाग हैं फिर चारधाम है केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ हैं फिर चार धाम है ये चार धाम और भी अलग चार धाम द्वारका पुरी रामेश्वर बहुत बहुत तीर्थ है और पृथ्वी में इतने सारे तीर्थ है अभी जिसको वो जिसको प्रकट ही नहीं कर पाए इतने सारे पृथ्वी में तीर्थ है लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं लेकिन घर में जब भक्त लोग आए घर में सत्संग हो घर में कीर्तन हो ये पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जिस घर में कीर्तन हरि कथा हो गया समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर उसी घर में बैठे गए
सारे तीर्थाग्र बैठे गए हैं। इसलिए जिस समय श्री चतुसन भगवान की कथा सुनाने जा रहे थे, केवल तीर्थ नहीं आए वहां पर, तो कहते हैं स्वर्ग से देवता लोग भी भागते भागते वहां पर आए। और जो भगवत कथा शुरुआत हुई, देवता लोग शंख निनाद की और स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार की और उन्होंने शंख नागारे मृदंग करताल उन्होंने बजाए और उन्होंने भगवत कथा की जयकार उन्होंने दिए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए कहते जहां पर हरि कीर्तन हरि कथा होता है, पृथ्वी का सारे तीर्थ और जितने ऋषि मुनि थे, केवल तीर्थ आए नहीं, पृथ्वी का जितने ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ पराशर व्यास जितने सारे ऋषि वो सबके सब वहां पर आए। कहते इतना नहीं, जितने दंडकारण्य जितना पुण्य सब बन है वो भी वहां पर कथा सुनने के लिए वहां पर आए है। इसलिए वहां पर जय जयकार हो रहा था। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं तीर्थ से स्नान करने से भी ज्यादा महत्व है, ज्यादा महत्व। तीर्थ में स्नान करने से क्या होता है, जाओ स्नान कर लिया फिर थोड़ी पाप धुल जाती है, फिर दोबारा आकर फिर पाप करना शुरू कर दो, फिर शराब पियो, फिर झूठ बोलो, फिर बेईमानी करो, फिर सारे उल्टा पुल्टा, फिर चुगली करो, फिर दोबारा वही काम फिर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं उससे भी ज्यादा महत्व है जब भगवान की कथा मृत रूपी गंगा में स्नान करो। ऊपर तो पवित्र हो ही जाता है, यहाँ तक भी उनके हृदय जो भी पवित्र हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और हृदय परिवर्तन होकर के भगवान की भजन में जीव प्रभु की भजन में लग जाते हैं, हैं? उसका प्रभु की भक्ति में मन लग जाती है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गंगारा परासा हैले पश्चाते पवना दर्शने पवित्र कर एही तो मार्गोना हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुमा स्थाने अपराधे कहते गंगा में स्नान करो तब भी जाकर कई पवित्र होते हैं, लेकिन कथा रूपी गंगा में भगवत भक्तों का दर्शन से ही जीव का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मतलब जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए बड़े भाग्य से शंकर जी पार्वती को यही कहते, बोले पार्वती साधारण भाग्य से ये जीव को सत्संग नहीं मिलता है। पार्वती प्रश्न करती है प्रभु जीवन में ये सत्संग किसको मिलता है, किसकी जीवन में ये सत्संग का लाभ होता है। शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाव दे इह संगत सोई। बोले पार्वती जब किसी जीव को ऊपर में अति हरी कृपा, छोटे मोटे कृपा नहीं, अति अति मतलब क्या, विशेष कृपा जब किसी जीव को पर पार्वती हो पाव देही यह संगत सोई, तब भी जीव को जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। पार्वती शंकर जी कहते पार्वती जानते हो मेरे को कितने कष्ट उठाना पड़ता है ये सत्संग सुनने के लिए, साधारण जीव की बात छोड़ दो। शंकर जी कहते हैं साधारण जीव भाग्य में तो जुटता नहीं सहज में, लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती मेरे को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कष्ट उठाते हो, जैसे आज हमारे श्यामा दीदी घर में अपने घर दीदी में कथा हो रही है, अब कितने दूर से आए, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15, कोई 20, कोई 50, कोई 60, कोई 100, इससे तो ज्यादा नहीं ना, इससे ज्यादा भी कोई किसका घर होगा, इससे ज्यादा नहीं करने ये तो शादी के लिए आए ये शादी के लिए आए, लेकिन इनकी भाग्य में सत्संग मिलती है ना, आए थे शादी के लिए और मिल गया सत्संग है ना। इसलिए इससे ज्यादा ठीक है, मैंने श्री नाम से आए ठीक है, यह कितना किलोमीटर,
लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती मेरे को इस कथा सुनने के लिए बड़े दूर जाना पड़ता है। बोले कहाँ पर? बोले ये तो पृथ्वी लोग है, ये पृथ्वी लोग, इसको भूर भुव स्व मोह जन तप सत्य, फिर सत्य को उन लोगों के ऊपर में, फिर बिरेजा, फिर बिरेजा को पार होना, फिर शिवलोक है। मतलब करोड़ करोड़ किलोमीटर दूर से शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर मेरे को कभी कथा सुनना हो, करोड़ करोड़ किलोमीटर दूर से मैं वहां से कथा सुनने के लिए मैं भी आता हूँ। मेरे भाग्य में भी, किस्मत में भी ये सत्संग मिलना मेरे लिए भी शंकर जी कहते कठिन है। मतलब सत्संग की इतने महत्व तो शास्त्र में बताया। इसलिए श्री चतुसन जब श्री पृथु महाराज जी को घर में आए, चतुसन भी यही, हाँ श्री पृथु महाराज भी सत्संग की महिमा कहते हैं, हैं? वो भी सत्संग की, पृथु महाराज कौन है? कहते भगवान का अवतार, सत्ता वैसे अवतार, भगवान की सत्ता वैसे अवतार। वो स्वयं कहते हैं बोले तुलयम लग्नापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किम उदासीस्य। भगवान खुद कहे सत्संग की कितने महिमा। अगर जीवन में एक लव सत्संग हो, एक लव कितना समय? कहते एक सेकेंड हो गया, उसको ग्यारह भाग करो। ग्यारह भाग का एकवा भाग को एक लव कहते हैं, एकवा भाग को एक लव कहते हैं। इतने कम समय जिसको एक बलक समझ दो, एक क्षण जिसको समझो। इसलिए कहते हैं अगर इतना समय अगर जीवन को, जीव को सत्संग प्राप्त हो, भगवान की कथा मिले, भगवत कीर्तन मिले, उसमें इतना लाभ, इतने लाभ है, उसको साथ में स्वर्ग को भी बराबर नहीं कर सकते। बोले स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, उसको सात लोकों में जो जो मोक्ष धाम है, जो मुक्ति धाम है, कहते मोक्ष को भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। साधु संघ की इतने महिमा, सत्संग की, हरि कथा की इतने महिमा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नजत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा, हाँ? जहां पर भगवान की कथा नहीं हो, जहां पर भगवत कीर्तन नहीं हो, जहां पर जन्माष्टमी राधाष्टमी रामनवमी नहीं हो, जहां पर भगवान की कीर्तन कथा नहीं होता है, बोले सुरेश लोक भी नवई सभ्यता। कहते वो ब्रह्मलोक क्यों नहीं हो, स्वर्गलोक क्यों हो? भैया हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने का। क्यों? जब सत्संग नहीं मिलेगा, हरि कथा नहीं मिलेगा, हम वहां जाकर क्या करेंगे? इसलिए हनुमान तक भी है, हनुमान तक भी एक संत कह रहे थे एक समय, जिस समय प्रभु राम ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, देखा सबके सब सरोज में स्नान किया, एक तरफ में स्नान किया, दूसरे तरफ में विमान आया, रथ में बैठे सबके सब जा रहे, संकेत धाम जा रहे, भगवत धाम को जा रहे थे सबके सब। जब जा रहे थे इतने में प्रभु राम ने पूछा भैया सबके सब यहाँ पर है, लेकिन हनुमत लाल जी कहाँ गए? ये हनुमान जी कहीं दिख रहे नहीं, हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी को जाकर के देखा सबके सब जा रहे हैं प्रभु का धाम में, लेकिन इसलिए हनुमान जी ना घर के एक कोने में बैठे करके बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
हनुमान जी सब दुनिया सब शंकर धाम जा रहे हैं, प्रभु को प्रभु भी जा रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, प्रभु बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा वहां जाने पर प्रभु की कथा सुनने मिलेगा। कहते वहां जाने पर ठाकुर की कथा सुनने मिलेगा, ठाकुर जी की जन्म उत्सव वहां होगा है, इसलिए वहां पर ठाकुर जी की कथा सुनने। बोले नहीं, बोले जो कथा सुनने नहीं मिलेगा भैया वहां क्या जा, हमें जरूरत नहीं वहां जाने का, जहाँ पर भगवान की कथा नहीं, कीर्तन नहीं, उत्सव नहीं, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हनुमान इसी जगत में रहे, इसी जगत में प्रभु को रहे। इसलिए एक समय देखो सत्संग की कितने महिमा है। एक समय प्रभु राम हनुमान जी को कभी कभी कहा करते थे, बोले बेटा कभी सत्संग में बेटा जाया करो। हनुमान जी सोचते थे प्रभु सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, सत्संग में क्या होता है बताओ, सत्संग में तो यही कथा होती है कि मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला, 84 लाख जीवनों के बाद में ये मानव शरीर मिलता है और इसी जीवन में ही प्रभु की भजन भक्ति कर सकते हैं। हाँ, और किसी जीवन में भक्ति नहीं होता, इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, यही तो सत्संग में होता है। बोले हाँ यही होता है। बोले ऑलरेडी तुम्हें कर ही रहा ऑलरेडी तुम्हें कर रहा हूँ, आपका नाम ही तो कर रहा हूँ, आपका कीर्तन ही कर रहा हूँ, आपको भक्ति तो कर रहा हूँ, दिन भर तो यही कर रहा हूँ, फिर ये सत्संग में क्यों हर समय प्रभु राम कहा करते थे बेटा जाओ हरि कथा में जाओ कीर्तन में जाओ। कभी कभी लोग बोलते ना अरे गुरु जी से हरिनाम ले लिया माला ले लिया क्या जरूरत है साधु संग में जाने, घर में बैठकर हरिनाम करो ना, कोई भी कहते ना घर में बैठकर हरिनाम करो, अरे इतना क्या डोलने की जरूरत, रोज रोज सत्संग हरि कथा कीर्तन क्या जरूरत है, अरे घर में बैठे बैठ कर क्या भजन नहीं होता है, कोई कोई बोलते है ना। इसलिए हनुमान भी यही बात कहा करता था, प्रभु ऑलरेडी तुम्हें कर रहा हूँ, आपका नाम कीर्तन भजन मैं कर रहा हूँ, जाने का क्या जरूरत है। भगवान ने कहा देखो जब तुम सत्संग में जाओगे तुम जो भजन कर रहे हो उसमें 4 चांद लग जाती हैं। हिंदी समझ रहे कि नहीं, हिंदी समझ रहे हो, कहते उसमें 4 चांद लग जाते, 4 चांद समझते हो क्या, क्या तुम्हारा हिंदी कैसे 4 चांद समझते हो ना, कि समझ रहे आप, कोई नहीं समझ रहे देखो, मतलब जितने तुम भजन कर रहे हो 4 चांद मतलब भजन में तुम्हारी बढ़ोत होता है, भजन और बढ़िया से होता है। हाँ 4 चांद लगना मतलब होता है भजन तुम जितने कर रहे हो है, जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति में और उल्लास आता है, हरि नाम करेंगे इतना माला करेंगे इतना कीर्तन करेंगे इतना भजन करेंगे भक्ति करेंगे। अब खुद देखना कुछ दिन सत्संग छोड़ दो तो थोड़ी बहुत जो माला जब करना माला भी छूट जाएगी, जो तिलक लगा रहे हो तिलक कहीं चली जाएगी, और थोड़ा तो भजन भजन थोड़ा कर रहे हो ना सब खत्म, कुछ दिन सत्संग छोड़ दो साधु संग में बताओ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक साधु संग महाप्रभु कहते हैं जैसे एक पौधा तुमने बोया, जैसे एक पेड़ लगाया गमला में, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो कब तक पेड़ जिंदा रहेगा, एक दिन पानी मत दो ना सूख जाती है, ये बगैर सत्संग से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले बिनो सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनो सुलभन सोई, बिनो सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक सत्संग नहीं करोगे तुमको विवेक नहीं होएगा, ज्ञान नहीं तुम्हें होएगा, और जब तक राम कृपा बिनु सुलभन सोई, ये सत्संग जीवन में कब मिलता है, बोले राम कृपा बिनो, जब तक प्रभु का कृपा नहीं हो ये सत्संग नहीं मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, तो ये जगत में दो चीज बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, वो दो चीज क्या है, बोले संत समागम और हरि कथा, संतों का संग और हरि कथा ये बड़े किस्मत वालों को मिलता है। कहते सूत दारा और नारी पापी को भी होए, समझ रहे ना, एक पापी को पास में भी बेटा बेटी
नाती पोती पैसा दुनिया दर किसके पास में? रावण के पास में क्या नहीं था बताओ? सारा दुनिया था, सारा दुनिया था उसके पास में। हाँ, मंदोदर जैसे स्त्री, मेघनाथ जैसे बेटा, सोने की लंका। कहते कि पापी को पास में भी ये पैसा, स्त्री, बेटा, बेटी, कुत्ते, गधे, सुअर सबके पास में। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है, संत समागम और हरि कथा। ये जो दो चीज है ये बड़े दुर्लभ से मिलता है, हैं? इसलिए शंकर भी कहते हैं पार्वती साधु संग हरि कथा, ये बड़ी किस्मत वालों को ये चीज मिलती है, हैं? इसलिए सत्संग गति दुर्लभ संसार, शंकर जी कह रहे हैं जीवन में सत्संग दुर्लभ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये सत्संग में जाने का क्या जरूरत है, घर में बैठ कर माला कर लो ना, घर में बैठ करके माला कर दो, इस सत्संग में क्यों जाएंगे, क्या जरूरत है? बोले बेटा जब तक सत्संग नहीं करोगे ना तुम्हारी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी नहीं। अगर पानी नहीं दोगे पौधा में पौधा के सूख जाएगी, और पानी दोगे तो क्या होगा, पहले लतक इसमें दो पहले अंकुर आएगा, फिर पत्ता आएगा, फिर उसमें लता आएगी, फिर सुंदर फूल, फिर चकाचक फल आएगा, फिर बैठे बैठे खाओ, फिर खाओ। इसलिए हनुमान भी कहते थे, एक दिन हनुमान जी ने सोचा प्रभु रोज रोज कहा करते हैं तुम सत्संग में जाओ हरि कथा सुनो, एक बार जाकर के देखता हूँ क्या होता है हरि कथा। एक दिन हनुमान जी आ गए, आकर के सबसे पीछे बैठे, पीछे बैठे हाथ जोड़ करके हनुमान जी प्रभु की कथा सुने, और कथा कौन सुना रहे था? काग भूषण कथा सुना रहा था, प्रभु राम कथा सुना रहा था। हैं? ये कथा सुनाते सुनाते उन्होंने एक कथा उन्होंने सुनाया, बोले जिस समय रावण ने माता सीता को उठा कर ले गया, हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया। हनुमान कौन? स्वयं शंकर जी है, शंकर स्वयं रुद्र देहते जी नह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये शरीर से प्रभु राम की सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर स्वयं श्री हनुमान बन करके प्रभु की सेवा करने के लिए शंकर जी आए। इतने में शंकर जी हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट मेरी माता को उठा करके ले गया। हनुमान जी छलांग लगाया तो एकदम पहुंच गया, कहां पर? लंका में उसने पहुंच गया। पहुंच करके देखा माता सीता को अशोक वाटिका में बैठ बैठ करके राम चिंता में रो रहे, बोले दुष्ट माता जी को यहाँ पकड़ करके ले आया, अभी लंका को ध्वंस कर देता हूँ। हनुमान जी कौन? शंकर स्वयं। उन्हें तीसरे नेत्र को उन्होंने खोले तो लंका जल करके राख, पूरा लंका खत्म। जब श्री काकभूषण भी ये कथा सुनाया, हनुमान जी खुद बैठे थे और कथा हो रही हनुमान जी की, और उन्होंने कथा हनुमान जी को बोले, हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी ने कहा देखो मैं स्वयं कथा में बैठा हुआ हूँ, कथा में स्वयं में बैठा हुआ हूँ, और ये इतने झूठ बात कह रहे हैं, हैं? चुपचाप बैठो, हरे कृष्ण, बैठो। इसलिए उन्होंने, और मैं बैठा हुआ और मेरे कथा और मेरे सामने इतने झूठ बात बोल रहे, कहते हनुमान जी छलांग लगाए लंका में। अब रामायण देखे ना, जब हनुमान जी छलांग लगाए ना, तीन बार तो उनको परीक्षा आई, तीन बार परीक्षा आई। रास्ता में वो राक्षसी आई पकड़ने के लिए, और एक राक्षसी ने उसको निगल लिया, हनुमान जी उसको सर को फोड़ कर गए। फिर लंका में पहुंचे, लंकिनी घुसने नहीं दे रही थी, और हनुमान मारे एक मुक्के से छक्का छुड़ा दी। फिर श्री विभीषण से मिले, फिर विभीषण जी ने बताया माताजी अशोक वाटिका में है। फिर माताजी से मिले, फिर भूख लगे तो खाना खाने के लिए गए, फिर अक्षय कुमार आए उनको भी मारे, फिर मेघनाद आया फिर बांध करके लेकर गया। बोले बंदर को पूछ में बड़ा आसक्ति है, उसमें कपड़े बांध करके मिट्टी का तेल डाले आग लगाया, फिर लंका जला, है ना, इतनी सारी कथा है। लेकिन काकभूषण ने क्या सुनाया, छलांग लगाए और गए और पूरा उन्होंने लंका जला दिया। हनुमान जी तो मन में बड़े कंफ्यूज आ गया, ये बेकार सत्संग, हाँ प्रभु राम कहते सत्संग में जाओ सत्संग में जाओ, और मैं सत्संग में आया तो देखो कैसे उल्टा पुलटा सब बात हो रही, हाँ मेरे सामने मेरी कथा और इतना उल्टा पुलटा। हाँ हनुमान जी प्रणाम किया, प्रणाम करके कथा जब समाप्त हो गया हनुमान जी चले गए। प्रभु राम तो घटघटवासी वो सब जानते हैं। प्रभु राम ने पूछा हनुमान जी
सत्संग सुने हो हनुमान जी का, तुम क्या सत्संग सुना, इतने इतने बढ़िया कथा मैंने कभी सुनी नहीं, इतने अच्छी कथा मैंने कभी सुनी नहीं, इतने बढ़िया सत्संग हुई। प्रभु राम को तो पता है इसके मन में शंका आ गई, काकभूषुंडी कथा सुन करके, ये काकभूषुंडी एक कल्प से नहीं, कितने कल्प से ये बैठा हुआ है, हाँ कितने ऐसे प्रभु राम कितने बार आकर के चले गए। इसलिए रामायण भी एक नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सप्त रामायण सप्त कोटि अपारा, रामायण एक नहीं सप्त कोटि रामायण है, एक रामायण नहीं कितने रामायण, रामायण की अलग अलग रामायण की कथा अलग 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 भाषा में अलग अलग रामायण की कथा है, लेकिन हनुमान जी तो एक रामायण जानते हैं दूसरे रामायण नहीं जानते, इसलिए उनकी मन में शंका हो गई। प्रभु राम ने श्री काकभूषण ने जो बात बताई उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही बताने के लिए उन्होंने अपना अंगुल से एक अंगूठा, हाँ जो मुद्रिका वो निकाल रहे थे, निकालते निकालते वो मुद्रिका गिर पड़ा। प्रभु राम ने कहा हनुमान जी ये मुद्रिका थोड़ा उठा करके दोगे, हनुमान की बड़े अभिमान, क्या अभिमान, सबसे तेज भागने वाला मैं, हाँ सबसे तेज, जब उसको मुद्रिका को पकड़ने के लिए गए वो जो मुद्रिका था ना वो मुद्रिका भागने लगा, भैया मुद्रिका भाग रहे, हनुमान उसको पीछे पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाया, ऐसे करते 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 मुद्रिका जा करके पहुंचा, हाँ जाकर पहाड़ को अंदर में गुफा में चला गया। हनुमान जब जा रहे थे वहां पर देखा और एक बंदर बैठा हुआ, बोले कहाँ जा रहे, रुको यहाँ, बोले तेरा नाम क्या है, बोले मेरा नाम हनुमान है, बोले हनुमान इतने कमजोर, बोले इतने कमजोर इतना छोटा सा, अरे हमारा हनुमान तो अंदर में बैठा हुआ विशाल काय हनुमान जी, हाँ और तू इतना छोटे से, हनुमान तो चक्र में पड़ गया, ये क्या कह रहे हनुमान, और भी कोई हनुमान होता है, मैं तो पता हनुमान मैं हूँ, वो कह रहे और बहुत बड़ा हनुमान है बैठा हुआ, हनुमान तो बड़ा बुद्धिमान, बोले अब के हनुमान से मैं मिल सकता हूँ, बोले मैं पूछ करके आता हूँ। जब उनको पूछे उनको पता है ये हनुमान आया, तब उन्होंने बोले जाओ उसको अंदर में लेकर के आओ। जब ये हनुमान अंदर में गए देखा सचमुच से विशाल काय हनुमान जी बैठे हुए और उनका आंखों से भी आंसुओं की झरी बह रहा था, वो भी प्रभु प्रेम में गदगद हो रहे थे, उनको रोमांच हो रहा था, वो भी बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय रघुपति राघव राजा Thank you.
रहा है, वहां भी बैठ करके हनुमान जी कृष्ण कर रहे हैं। और वो बड़ा हनुमान देख करके हनुमान बोली बाबरे इतने बड़े हनुमान। अरे वो हनुमान खड़े होकर के ये जो हनुमान जी को आलिंगन किया, आलिंगन करके फिर वो बड़ा हनुमान छोटे हनुमान को बताया, बोले देख हनुमान वो जो काग भूषुंडी कथा सुना रहा था ना, जानते हो कितना दिन से, कितने बार प्रभु राम आकर के कितने बार चले गए, प्रभु केवल एक बार नहीं आते, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार कृष्ण भी आते हैं और एक बार राम भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस गली में आते हैं, हैं? इसलिए कितने बार प्रभु चले गए। वो जो काग भूषुंडी कथा सुना रहा था, मेरी कथा सुना रहा था, उसी समय प्रभु मेरे को इतने शक्ति इतने ताकत दिए थे, एक छलांग लगा कर पहुंचा और तीसरा नेत्र खोलकर लंका को जला दिया। बोले बेटा कभी भी काग भूषुंडी कथा में शंका नहीं करना, हैं? शंका कभी नहीं करना, जा बेटा वो जो मुद्रिका है ना वहां से ले जा। जब वहां पर गए देखा एक सा बहुत सारे मुद्रिका है, बहुत सारे वो चक्र में पड़ गए, फिर एक जैसे। बोले प्रभु इतने सारे एक मुद्रिका कैसे एक ही जैसे। बोले हनुमान जब जब किसी हनुमान जी के मन में शंका आता है ना, प्रभु उसको यहीं पर भेजते हैं और वो सब रहा हुआ मुद्रिका यहाँ बड़ा हुआ है, हैं? कितना बार प्रभु राम आए उनका मुद्रिका। फिर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की है, तब से हनुमान जी प्रतिज्ञा की है। वो सोच रहे थे मैं सब जानता हूँ, मेरे को कहीं सत्संग पत्संग कहीं जाने का जरूरत नहीं। अरे हम सुनी सुनाई कथा कितना बार सुनेंगे, हम तो बहुत सुन लिए, हैं? हनुमान जी ये सोचते थे। लेकिन तब भी से हनुमान जी प्रतिज्ञा किए है, क्या प्रतिज्ञा की, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, मतलब जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, एक जगह में नहीं अगर करोड़ों जगह में भी प्रभु राम की कथा हो, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हैं, उतना रूप धारण करते हैं। और रूप का रूप धारण करते हुए जितने सारे कथा में राम कथा होता है सबसे पहले हनुमान वहां पहुंचेंगे। इसलिए आप देखना प्रभु राम की कथा हो ना, पहले से हनुमान की तस्वीर सबसे पहले रखी जाएगी। क्यों? बोले राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है? बोले श्री हनुमत लाल जी सबसे पीछे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, हैं? हाथ जोड़कर बैठेंगे और कथा श्रवण करते समय अज्ञान जैसे बन करके, कहते हनुमान जैसे विज्ञान कोई नहीं है, और बोले उनको बताया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी है। लेकिन यहाँ पर बताया जब कथा सुनते है ना मूर्ख बन करके, पंडित बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए, फिर कथा के रस का आस्वादन नहीं होगा, इसलिए मूर्ख बन करके कथा सुननी चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा में ना, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं कथा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जे सुना ता अघाई, राम कथा जे सुना ता अघाई, रस विशेष जानत तीन नाई, रस विशेष जानत तीन नाई, कृष्ण कथा जे सुना ता अघाई। हिंदी समझ रहे हो? हाँ देखो, बोले कृष्ण राम कथा जई सुनत अघाई, मतलब क्या, अगर कोई भगवान की कथा सुन करके बोले अरे सुनी सुनाई कथा कितना बार सुनेंगे, बहुत बार सुन लिया कोई जरूरत नहीं, अघाई मतलब होता है जैसे जो विरक्त हो जाता है, हैं? दूसरे लाइन में कहते हैं रस विशेष जानत तेरे नाही, और रस के बारे में उनको पता नहीं। एक बार तुम्हें रोटी नहीं मिले ना, चावल नहीं मिले, हाय रोटी हाय चावल, दिन भर चावल मुंह नहीं देखा, रोटी ब्रेड मुंह। अरे अगर रोटी चावल में तुमको इतने टेस्ट है तो भगवान के नाम में भक्ति में इतना रस नहीं। इसलिए पृथ्वी महाराज कहते हैं भगवान जब बोले हमसे वर मांगो, पृथ्वी महाराज क्या बोले, बोले प्रभु आप देना चाहते हो मेरे को 10,000 कान दे दो। कितने? 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान हो जाए, यहाँ दो कान हो जाए, पूरा शरीर में अगर कान ही कान हो गया, अगर हो गया अच्छा लगेगा तुमको,
दो कान बढ़िया लग रहा है, अब तू कह रहे हो 10,000 कान दे दो, पूरा शरीर में कान ही कान दे दे। हैं कहते प्रभु इसका मतलब ये नहीं सारा शरीर में कान ही कान हो जाए। बोले फिर क्या चाह रहे हो? बोले कान तो दो ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में भगवत कथा सुनने का इतने उसमें हाँ उसमें लालसा रहे, उसमें इतना इंटरेस्ट रहे, दो कान में 10,000 कान में जितने शक्ति कृष्ण कथा सुनने की उतना शक्ति दोनों कान में दे दो, इसका मतलब ये है। और दूसरा अर्थ बताए, जैसे यहाँ हम हरि चर्चा कर रहे, भगवत कथा कर रहे, और भी तो कहीं प्रभु की कथा होती होगी ना, जैसे केवल यही थोड़ी, और भी तो कहीं की भगवान की कथा होती होगी। इसका मतलब है बोले प्रभु जहां जहां तुम्हारी कथा हो रही ना, मैं चाहता हूँ उतना रूप धारण करके सब जगह में चले जाओ, कहीं की कथा में से चुक नहीं जाए, नीच नहीं हो जाए, जितने जगह पर जितने कथा हो रही सब जगह में पहुंचू, पहुंच करके तुम्हारी कथा सुनते रहो, तेरी कथा सुनते रहो, इसका मतलब ये है। इसलिए यहाँ पर श्री हनुमान जी प्रतिज्ञा उन्होंने की है, हाँ पहले सोचते थे कोई जरूरत नहीं सत्संग में जाने का, हरि कथा सुनने का कोई जरूरत नहीं, उन्होंने देख लिया, पहले तो मैं सोचता था सब मैं जानता हूँ, कभी पता चला मैं कुछ नहीं जानता, अभी पता चला हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए हनुमान जी सारी कथा में बैठ करके, हनुमान जी सबसे पीछे बैठ करके भगवान की कथा सुनते, तभी आप जितने भागवत ने एक श्लोक बताया, धर्म सुनिष्ठित पुंसान विश्व सेन कथा सुच न उत्पादयत यदि रति श्रम एवं करे, इसका मतलब है तुम भक्ति कर रहे हो लेकिन तुम्हारी भगवान की कथा में रुचि नहीं है, कथा सुनने में तुम्हारी इंटरेस्ट नहीं, कहते सब तुम्हारी बेकार है, और जितने भक्ति ना सब बेकार हो जाएगा। अब देखना एक लड़का अगर किसी लड़की को प्रेम करता है ना, अगर उसकी कहीं नाम सुने कान खड़ा हो जाता है, दीवार में इसका नाम लिखेगा, पेपर में नाम लिखेगा, सब जगह में उसका नाम लिखते रहेगा जो जिसको प्रेम करता है, हैं? इसलिए उसी तरह तुम भगवान को प्रेम करते हो, उसका लक्षण क्या है, कहते उसकी कथा तुम्हें अच्छी लगेगी, उसकी कथा तुम्हें अच्छी लगेगी। इसलिए रुक्मणी कृष्ण को पास में प्रेम पत्र लिखा, बोले प्रभु आप मुझे भी नहीं देखा, मैं तुम्हें भी नहीं देखा, आप भी मुझे नहीं देखे, आप मैं भी तुमको नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी कथा सुनते सुनते ना सत्संग से नारद से तुम मेरे रोम रोम में तुम बैठ गए। इसलिए हे प्रभु अगर आप मेरे को प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म जन्मांतर में ये शरीर में छोड़ते रहूंगी, लेकिन ये शिशुपाल ये सियालों को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, तुम तो पुरुष सिंह हो। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई, जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे भगवत कथा में रुचि नहीं होगी, भजन में रुचि नहीं होगी। जिसको जितने भगवान कथा में रुचि है उसको उतना ही प्रभु की भजन में उसका उन्नति है, जिसको भगवान कथा में रुचि नहीं वो कभी जिंदगी में भजन कर ही नहीं सकता है, भगवत मना कर ही नहीं सकता है, हाँ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उनका इंपोर्टेंट समझते नहीं, कथा के द्वारा तो समझोगे ना। इसलिए हनुमान जी सब जगह में जहां जहां प्रभु की कथा हो हनुमान जी सर्वत्र जा जाकर बैठ करके भगवान की कथा हाँ हाथ जोड़ करके रोमांच युक्त होकर के आंसू को बहाते हुए भगवत कथा को श्रवण करते। इसलिए सत्संग की इतने महिमा है, इतने महिमा है। बोले सत्संग की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा, हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ तुम्हें कीर्तन करो, इसका कीर्तन नहीं करो, फिर मैं थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ, ठीक है? कौन सी? हाँ बोलो तुम जो सी बढ़िया गाते हो। आली को हिला गे भज दियो खसिंग आली को हिला गे वृंदावन अली मोहलागे वृंदावननी को अली मोहलागे वृंदावननी को अली मोहलागे वृंदावननी को अली मोहलागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को शिव मोहे
Mira que prabhu mere bhaya
और 10 मिनट हाँ हरे कृष्णा 10 मिनट सुन हरे कृष्णा हम लोग सवेरे हम बेनुगीत सुन रहे हैं तुम कहाँ धरते हो फेसबुक में अब घर में बैठे बैठे करके सब सुन सकते हो रोज रोज हम सवेरे 15 मिनट 20 मिनट हम बेनुगीत सुन रहे हैं हाँ जो बेनुगीत है भागवत में एक विशेष प्रसंग है जिसको हमारे महाराज जी ने भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने हमने पूरा उन्होंने ग्रंथों को उन्होंने निकाला है विशेष करके भगवान में 4 गुण है हैं जो किसी जीव में नहीं ब्रह्मा शंकर में नहीं यहाँ तक भी भगवान के किसी अवतार में भी वो गुण नहीं केवल कृष्ण में ही ये 4 गुण को तो 4 गुण क्या है बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिधि भगवान कृष्ण ने जितने सुंदर लीला की है जब राम ने लीला की है लेकिन जो कृष्ण का जो विशेष है कि लीला रास लीला केवल कृष्ण ने ही ये रास लीला की है उनका एक माधुर्य श्री लीला माधुर्य बोले दूसरा माधुर्य क्या है उनका दूसरा माधुर्य श्री रूप माधुर्य कृष्ण जितने सुंदर है जगत में इतने सुंदर कोई नहीं इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं कृष्णा तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में की समझ रहे कद भगवान ने अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया तू इतने सुंदर तू है ना बस अगर तू लाली होता है ना दुनिया तेरे को पाने के लिए ना आपस आपस सारा दुनिया मर जाती इतने तुम सुंदर हो इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं खबरदार वृंदावन मत जाओ अगर भूले भटकते हुए कहीं वृंदावन चले गए ना वहां पर कैसे तीर्थ घाट में तो प्यार नहीं रखनी चाहिए भाई भैया वृंदावन तो इसलिए जा रहे हैं कैसे तीर्थ घाट जाएंगे नहाएंगे स्नान करेंगे सर्वश्रेष्ठ घाट मतलब भूल से वहां पहुंच गए खबरदार एक बात याद रखो कभी गोविंद देव का मंदिर में प्यार नहीं पड़नी चाहिए बोले भैया वृंदावन तो इसलिए जा रहे हैं गोविंद जी को दर्शन करेंगे ठाकुर जी को अब कह रहे मत जाओ
हैं भले एक बार चले गए एक बार देखा है ना पर मेरे दोष नहीं देना हैं देखो ऊपर वो तो मीठी-मीठी हंसते हैं लेकिन वो अंदर से चाकू जलाते हैं हैं इसलिए कभी एक बार अगर वो रूप को देख लिया उनका सर पर जो मोर पंख है उसमें तो नजर ही नहीं पड़नी चाहिए हैं वो तीन जगह से टेढ़े हैं कोई अगर सीधा चीज अंदर में जाए तो निकल जाएगा लेकिन टेढ़ा चीज चले जाए फिर निकल क्या नहीं हैं इसलिए हृदय में अगर एक बार चले गए ना तो निकलेगा नहीं तुम्हारे दिल से इसलिए इसलिए हिंदी में भजन गाए ना हैं हां भजन में क्या कहते हैं हां हरे कृष्ण भजन में कहते हैं बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा बांके बिहारी की देख छटा झांकी के दर्शन करो ना फिर तो रूप गोस्वामी कहते हैं अगर उसको बेटा देख लेगा ना फिर पिता माता को भूल जाएगा अगर पिता माता देख लिया फिर बेटे को भूल जाएंगे अगर विभिन्न देख लिया पति को भूल जाएगा पत्नी ने देख लिया मेरे व्यू हो जाएगा इसलिए वो कहते खबरदार इसलिए उनका नजर मत मिलाओ हैं फिर तो सब कहीं कि तुम नहीं रह जाओगे फिर तो राधे राधे बोलते बोलते वृंदावन में पागल होकर के वहां घूमते रह जाओगे फिर घर में वापस नहीं आओगे इसलिए उनका जो दूसरा माधुर्य जो उनका श्री उनका जो सुंदरता इतने कृष्ण सुंदर है इतने सुंदर है जिनकी देख कर कमल लजाए कमल फूल भी जिनको देख करके उनको सामने लज्जित तो हो जाता है कितने सुंदर कृष्ण का ये दूसरा माधुर्य है जिसे इतने सुंदरता जिसको लक्ष्मी जिसको सुन करके वैकुंठ को छोड़ देती है जिनकी सुंदरता को सुन करके नारायण भी जिनको दर्शन करने के लिए बच्चों को चोरी करते हैं कृष्ण खुद को खुद परिचय देख करके पागल हो जाते हैं और ये कौन है इतने सुंदर है? इतने सुंदर है कौन कब मैं राधा बन करके उसको मैं कब आलिंगन करूं इसलिए महाप्रभु रूप में आने का यही कारण यही कारण है इसलिए उनका ये दूसरा माधुर्य फिर उनका जो तीसरा माधुर्य है उनका तीसरा माधुर्य प्रेम माधुर्य भगवान की मतलब प्रेम माधुर्य भगवान है उसमें उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं प्रेम माधुर्य में और उनका जो चौथा माधुर्य उनका बड़ी माधुर्य ये बंसुरी और किसने नहीं बजाए केवल कृष्ण ने ही बंसुरी बजाए इसलिए जो इसलिए पूरा श्री सुखदेव गोस्वामी पूरा उन्होंने बेणु गीत उन्होंने लिखे हाँ भागवत में पूरा अलग उन्होंने ये गीत को लिखे बेणु गीत है अद्भुत रूप में उन्होंने वर्णना किया श्री बेणु गीत उन्होंने वर्णना किया है इसलिए बेणु गीत में अलग 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 बेणु है केवल बंसी नहीं मुरली बेणु है इसलिए उनको सन्मोहिनी आकर्षणी जब बंसुरी बजाते है ना वो अलग 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 लोग से तान है अलग 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 उनकी तान है पहला छेद में दूसरी छेद में तीसरी छेद में क्या होता है मैंने उनके घर में सबों ने वर्णना किया पूरा बेणु गीत सवेरे सवेरे उसको बोलता हूँ 15-15 मिनट 20-20 मिनट इसलिए उसमें कैसे ब्रज की गोपियां अपना घर में बैठी हुई और अपना दिग्भर नेत्र से भाव नेत्र से घर में तो बैठी हुई भाव नेत्र से लेकिन वृंदावन में कैसे कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर कृष्ण कैसे बंसी ध्वनि कर रहे हैं वो बंसी ध्वनि की महिमा को गोपियां गा रही हैं हैं उसमें एक श्लोक जिसे श्लोक में कृष्ण का जो श्रृंगार है कृष्ण कितने सुंदर है उनका अलंकार उनका श्रृंगार उन्होंने वर्णना की इसलिए गुरुदेव कहते थे हम सबरे उसको सुने वहां पर विशेष कर गुरुदेव कहते हैं भागवत में कृष्ण कितने सुंदर उसमें तीन श्लोक आया है एक श्लोक को पितामह ब्रह्मा जी वर्णना किए दूसरे रूप को कहते कृष्ण जब मथुरा के जो रमणिया उन्होंने बताए और जो तीसरे जो श्लोक है वो राधा रानी के मुखारविंद से निकली है इसलिए हम सबरे राधा रानी जो श्लोक को बताए कृष्ण कितने सुंदर है हमने सुना था अभी हम एक श्लोक सुनेंगे ब्रह्मा जी क्या बताए
जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखागण ने चोरी किया, सोच रहे थे कोई ग्वाल वाल है, लेकिन कृष्ण अपना शरीर से ठीक जैसे सखा और बछड़े को कृष्ण अपना शरीर से निकाले प्रकट किया और उन्होंने उनको साथ में लीला की। ब्रह्मा जब चोरी करके जब चले गए ब्रह्मलोक, कृष्ण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए और दरुआन को बोल दिया, देखो मेरे जैसे अगर कोई ब्रह्मा आता ना घुसने में गुआ करना। जब स्वयं ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, उनका जो नौकर लोग थे उन लोगों के डंडे लेकर के ब्रह्मा जी को भगाए, तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया कौन ये ब्रह्मा बन गया, मैं तो ब्रह्मा मेरे नौकर मेरे को भगा रहे। फिर उन्हें ध्यान लगाया तो देखा उनका प्रभु बैठे हुए। फिर ब्रह्मा जी वहां से जल्दी ब्रह्मा जी वहां से जल्दी वहां से भागते भागते आते हैं, आकर के फिर चक्कर में पड़ गए। क्या चक्कर में? उन्होंने तो उनको बछड़े और सखा को उन्होंने चुराया था, हरे कृष्ण। फिर देखा जिनको उन्होंने चुरा करके गुफा में बंद कर दिया था, फिर देखा उनको साथ में लीला करते हुए। ब्रह्मा जी सोचा शायद मैंने जिनको छुपा दिया था उसने शायद उनको लेकर के आ गए। ब्रह्मा फिर देखने के लिए गए, देखा नहीं वो तो जैसे को तैसे। फिर ब्रह्मा तो चक्कर में पड़े गए, एक साथ में दोनों तरफ में उसको चार सर है, इधर दो सर और इधर दो सर। जो एक साथ में देखे तब तो कृष्ण ने बोले देखो ये बछड़े ये सखा कौन है, ये बछड़े सखा और कोई नहीं, मैं स्वयं ये बछड़ा सखा मैं स्वयं बना हुआ हूं। जितने सारे सखा बछड़े सब के सब चतुर्भुज नारायण नारायण नारायण, जहां देख नारायण नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये कौन है, ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी है। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन से कूद पड़े, सुधा ठाकुर जी के चरण में लेट गए और अपना आंखों को आंसुओं से ठाकुर जी के चरण को अभिषेक किया। फिर सब ब्रह्मा जी खड़े होकर उनको स्तुति की। स्तुति का जो पहला श्लोक है, कृष्ण कितने सुंदर है वो पहला श्लोक में बताए। बोले नौ मिड्यते अभ्र बकुशे तरितांबराय गुंजावतंस परिपेचलसत मुखाय। मतलब हो यह ठाकुर जी आपका चरण में हम प्रणाम करते, आपका चरण में हम प्रणाम करते। क्यों? वो समझ गए क्यों प्रणाम कर रहे हैं। कहते कृष्ण कौन है? बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण तो नहीं अनादि को जो आदि, अनादि कौन से कारण दर्शाए उनका जो आदि से बलदेव प्रभु, तो उनका भी जो आदि ये कौन है? ये कृष्ण है, ये सबका बाबा है, ये सबके पिताजी। ये समझ गए ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। और इसलिए बोले प्रभु ठाकुर जी आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं। देखो ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करने का बड़ा पुण्य बताया शास्त्र ने, बतावा वे सकृत प्रणाम कृष्ण से मातृस्थन विगत नहीं। तो एक बार कृष्ण के चरण में प्रणाम कर लो फिर मैया की तरह दूध पीना नहीं पड़ेगा, मतलब मातृगर्भ में फिर नहीं आओगे, फिर जन्म मृत्यु तुम्हारी खत्म। कभी एक बार अगर कोई कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो, और जब महाराज उनको दूतों को कहते बोले किसको किसको लेकर के आओगे, बोले जो भगवान के चरण में एक बार प्रणाम नहीं किया उनको पकड़ पकड़ कर जाना मेरे पास, जो गले में कंठी नहीं पहनते तिलक नहीं लगाते हैं उनको पकड़ पकड़ मेरे पास में लाना। इसलिए ठाकुर को चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। इसलिए नव मिद्यते अभ्र बकुशे, बोले भगवान का शरीर कैसे है? बोले काले है मेघ जैसे। बोले मेघ जैसे क्यों ठाकुर जी के रंग है? कारण किया बोले कारण है मेघ कब होता है? ये बादल को बताया, ये पानी, ये बादल में पानी, ये पानी जब घनीभूत अवस्था हो जाता है ये बादल बनता है, तब उसमें मेघ होता है।
इसलिए पानी का और एक नाम है कृपा, है कृपा है। बोले कृष्ण का रंग ये काले क्यों? बोले जब कृष्ण कृपा जब घनीभूत अवस्था हो जाता है कृपा की, तब ये काले में गए। इसलिए कह रहे प्रभु आपको बहुत दयालु हो, है आप बड़े दयालु, इसलिए बताओ ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। इसलिए बताओ आप करुणा सिंधु और दीना बंधु, आप तो बड़े दयालु ठाकुर जी, आपको बड़े कृपालु हो। इसलिए ठाकुर जी, इसलिए आपका जो रंग है अभ्रभ खुशे, मतलब कृपा की मूर्तिमान स्वरूप आप हो। फिर अभ्रभुपुर से फिर तड़ी तंबर आए, फिर जैसे आकाश में काला मेघ है अगर उसमें विद्युत चमकती ना, फिर और सुंदर लगता है। हाँ, कृष्ण तो काले लेकिन उनका जो वस्त्र कैसे है पीला रंग के, हाँ कहते वो विद्युत तो झट चमक कर खत्म हो जाता है, लेकिन कृष्ण के शरीर में जो रंग जो कपड़ा है वो स्थिर विद्युत, मतलब विद्युत जो है जो लाइट नहीं, वो एक जगह पर कृष्ण के शरीर में कहीं इधर उधर नहीं हो रहा, मतलब उससे भी ज्यादा सुंदर कौन है, ये कृष्ण ही अभ्रभु से। बोले गुंजा व कंस, बोले कान में जो कुंडल पहने हैं वो किस चीज की कुंडल? बोले गुंजा की, जानते हो गुंजा क्या होता है? नहीं जानते, एक फल होता है गुंजा, फल एक होता है, है? इसलिए जो बहुत कम पैसा में वो चीज मिलता है जंगल में, अपनी आप जंगल में वो होता है अपनी आप, अपने लाल रंग होता है उसके ऊपर काला बिंदु होता है और गुंजा फल है। इसलिए कृष्ण कभी गले में उसको माला भी पहनते हैं और कानों में भी वो कुंडल धारण करते हैं। इसका मतलब है भगवान कहते हैं अगर कोई बोले अरे भगवान को तो खुश करने के लिए कृष्ण को बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीज दो तब तक खुश होने, बोले कृष्ण कहते मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ, केवल प्रेम से कोई मेरे को चीज दे दो। इसलिए कृष्ण गीता में उनने क्या बोले, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रयच्छति। भगवान गीता में चार चीज का नाम लिया है, जो भक्ति पूर्वक ये चारों में कोई एक चीज दे दो खुश हो जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो उनने चार चीज का नाम लिया जो बिना पैसा मिलता है, ऐसे नहीं पैसा को बड़ा कोई चीज, बोले नहीं वो पत्रम पत्ता दे दो खुश हो जाता हूँ। कहा खुश हो गए जब कृष्णा शांति दूत बंद करके दुर्योधन के पास में गए, बोले पांडव को कुछ भी देने का जरूरत नहीं, केवल पांच गांव दे दो। वो पांच गांव की बात कर रहे हो, बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो पांच गांव की बात बता रहे हो। वो सोच रहे थे कृष्ण को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, वो पहले छापान भोग छत्रिस व्यंजन बना कर रखे थे, लेकिन कृष्ण कुछ भी खाए नहीं। वो बिदुर जी के घर में ठाकुर जी गए, बिदुर जी के घर में गए और जाकर उन्होंने साग भाजी ठाकुर जी खाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो जो धमके में बचाए, साग भी दूर घरे खाई हो, साग भी दूर घरे खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के दफ अर्जुन रख हाथो भूल गए ठाकुराई हो, भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के ठाकुर जी, प्रेम के भूखे ठाकुर जी। इसलिए पत्रम पुष्पम, पुष्प किसने दिया? हाथी ने, जब उसको मगरमच्छ पकड़ करके और उसको खींचते हुए ले जा रहे पानी में, पूछा प्रभु को क्या तू? इतने में केवल एक कमल फूल था, बस एक कमल फूल लेकर के ठाकुर जी को उन्होंने दे दिया। तो जीवन में ठाकुर को दो बार है अपना जो गति है ना अपना, उन्होंने तेज करना पड़ा, जल्दी आना पड़ा, भागना। बोल कब?
एक द्रौपदी के वस्त्रहरण समय में और दूसरे के गजराज का समय पर तो मतलब ना रा शब्द यना भी बोले नहीं ना रा शब्द बोले इतने में चक्र आकर के मगरमच्छ को पैर बांधते हैं इसलिए पत्रम पुष्पम बोले फलम है कहते फल किसने दिया ठाकुर जी को फल हाँ सबरी माँ ने दिया है फल इसलिए बोले झूठे बेरे सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची सबाई सबसे ऊंची उन्होंने सबरी का झूठा बेर सबरी के खाए पहले सबरी खा रही थी चक चक करके और जो खट्टा फेंक रही थी और मीठा भर दे रहे थे ठाकुर जी क्या बोले बोले सबरी आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना कहते बैकुंठ में मेरी लक्ष्मी कितने मेरी सेवा करती है उसमें वो स्वाद नहीं आता तुम्हारे झूठे बेर में जो है ना आनंद आया है इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान प्रेम के भूखे ठाकुर जी इसलिए यहाँ पर बताए नौ मिड के अभ्रभु से परितम बराव गुंजाब तंस भगवान कहते हैं गुंजा माला में भी संतुष्ट हो जाता है गुंजाब तंस परिपीच लसत मुखाय और सर पर मयूर पंख लगाते हैं बोले मयूर पंख क्यों लगाते हैं फिर मैंने पांच कारण बताया था कृष्ण मयूर पंख क्यों लगाते हैं पांच कारण बताया था हाँ पहला कारण है मयूर पंख में श्री राधा जी के नाम लिखा हुआ दूसरा कारण है मयूर ब्रह्मचारी तीसरा कारण है मयूर जो मयूर है कभी कभी राधा रानी मयूरी कभी राधा रानी बनी थी इसलिए और इसका बहुत सारे कारण है क्यों कृष्ण मयूर पंख लगाते इसलिए बोले मयूर पंख लगाते हैं और गुंजाब तंस परिपीच लसत मुखाय बोले बन सृजे भगवान के जो श्रृंगार है बन के जो फूल पत्ते से भगवान का श्रृंगार सबसे बढ़िया श्रृंगार है इसलिए भगवान कहते और कबल वेत्र विशाल गुरु भगवान खाते है क्या दही भात और दूध भात खाते है दही भात दूध भात कहते जगत में जब भी मेरे को तरह तरह का भोग लगाते हैं लेकिन सबसे मेरा प्यारा भोजन किया है मेरे दही के साथ में चावल दे करके दही में दूध दे करके मेरे का जो भोजन है ना सबसे बढ़िया भोजन ये वृंदावन का भोजन है ये सबसे भगवान को ये भोजन अच्छा लगता है इसलिए ये पितामह ब्रह्मा जी ये श्लोक के द्वारा भगवान को स्तुति करते है बोले प्रभु आप तो भक्त वत्सल हो हैं आप तो केवल प्रेम की भूखे हो और मैंने ये बछड़े भैया को मैंने चुराया मैंने ये अपराध किए है इसलिए आप मेरे अपराध को माफ कर दो कहते ये ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बताओ तो हम कल सुनेंगे सबरे फिर सुनेंगे इसको आगे गोपियां बंसुरी की क्या महिमा बता रहे ये बंसुरी की क्या चमत्कारिता है इसलिए आप लोग ना फेसबुक में आप देख सकते हो सबरे हम क्लास देते हैं इसको इधर आ जा अच्छा फूल ले आ इससे ना दूसरा तरह का बढ़िया हरे कृष्ण हरि बोल बाबा रे इतना छह बेटे हो गया छोड़ दो हरे कृष्ण सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल दे दो सबको सबको दे दो फूल ना सबको एक एक फूल ले दो बैठ बैठ
ले लिया ना सबके साथ? हाँ ले लिया। बैठ बैठ कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, मेरे पीछे से बोलो, ये वेद का मंत्र है, बोले ओम स्वस्ति न गोविंदः, स्वस्ति न अच्युतानन्दो, स्वस्ति न वासुदेवो विष्णुर्दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन सर्वेश्वरेश्वर प्रभातो। ओम स्वस्ति न दैनतेव हरिः, स्वस्ति न अजनासुतो अनुर्भागवतो प्रभातो। लाभस्तेषां जयस्तेषां उपस्तेषां पराभव तेषां हिन्दुवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव विभुहि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् श्रीकृष्ण चैतन्य बहु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्री गिरिराज महाराज की, सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव, श्रेष्ठ प्रभुनाथ महाराज की जय, सत्परि पर गौर हरि की जय, गौ गौर प्रेमानंद सकृत मंगलम भवतु, कल्याणम भवतु, सुखी भवतु। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। सब फटो ले लो, केवल हाथ में फटो ले लो। अच्छा तो ये सब सब ऐसे बैठो, फट ले सबका, ऐसे घूम कर बैठो, उधर जा नवीन नवीन उधर जाओ, फटो ले सब। आप ऐसे बैठो, सब को बैठ जाइए। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna to you, may you never be born again, may you never be born again, may you never be born again, may you never be born again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai 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 Jai
उधर मुंह कर रहे थे उस तरफ सेल्फी हरे कृष्ण कम है तुम लोग इधर आ जाओ हरे कृष्ण यहाँ बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रेमानंदी मैंने जो आईपैड दिया था ना उसको लेकर क्या ना सबसे बढ़िया उसमें आता है उसको बड़ा है ना पूरा बढ़िया आता है उसमें एकदम क्लियर आता है एकदम क्लियर बढ़िया आता है मैं भी लाया नहीं हाँ सब खड़े हो जाए कितने लग रहे Jiva Shyam Lala, Jiva Shyam Lala, Jee Teri Pagri Rang Lala, Jiva Shyam Lala, Jiva Shyam Lala, Jee Teri Pagri Rang Lala, I go to the Aayo Nandlala, go to the Aayo Nandlala, I go to the Aayo Nandlala, go to the Aayo. Thank you.
भगवान उसको इंसान का जीवन दिया, लेकिन भगवान का कीर्तन में नाचे नहीं, नाचे नहीं तो बोले ठीक है अगले जीवन में बना दूंगा, एक जगह पे खड़े हो भागवत का श्लोक कहते ध्रुव जन्म भाजो, ध्रुव मतलब होता है पेट, है पेट बन के दिखाओ फिर एक जगह खड़े हो। भगवान के चित्र में नाचो जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल नारायण गोस्वामी महाराज की जय, ब्रह्मष्ट भक्ति विद्वान श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति विद्वान गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री गौर गोविंद महाराज की जय, भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, अनंत गति गौर भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, परम पूज्य पाद श्री भक्त वेदांत श्री वाम, जय श्री गण महाराज की जय, जय श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री तीरथ महाराज सिद्धांत महाराज की जय, सपरिकर गौर हरि की, विजय प्रभु की, और श्री श्यामा प्रिया दास की, जय श्री प्रेम भक्ति दीदी की, बिताई गौर प्रेम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय। क्या सब जगह में गया पूरा इंडिया में गया फोटो लेने की इसमें तो नहीं महाराज वेस विद एप्पल वॉस एंड दिस कैन एप्पल महाराज वेस विद एप्पल वॉस ये एप्पल नहीं महाराज इसमें फोटो लेने हां आप बोलते सही आपकी जो है